हेलो सर, मोनीषा का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। तो यार, ये आज का अपना व्लॉग होने वाला है दिवाली का व्लॉग। तो यार, अभी कुछ अराउंड बज रहे हैं 6:48। और सबसे पहले तो यार, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अच्छे से दिवाली बनाए होगे आई होप, क्योंकि ये तो वीडियो अपन का 5 नवंबर को जाने वाला है। तो यार, आज का आपको पूरा ब्लॉग दिखाने वाला हूँ दिवाली का, और कैसे हम लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम लोग पटाखे भी फोड़ने वाले हैं, क्योंकि एमपी में फिलहाल तो बैन नहीं है पटाखे, तो अपन फोड़ेंगे अच्छे से। और यार, आज दोपहर में मैं गया था शॉपिंग करने, मिठाई वगैरह और जो भी पूजा का सामान होता है, तो उसका भी मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट किया है। तो आप पहले दोपहर की क्लिप्स देखो सारी, उसके बाद अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यार, अभी अपन निकल रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने, मतलब फूल वगैरह लेना है और मिठाई वगैरह लेना है, ठीक है। और यार, सुबह से मैं मतलब काम ही कर रहा था। पहले मैं सुबह गया, पटाखे रखा ऊपर, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा, धूप में रखे हुए सुबह से, वो रख दिया, बहुत सारे थे तो टाइम काफी लग गया। और यहाँ पे देखो, ये दीदी ने रंगोली बनाई है। और अभी अपन निकलते हैं, अराउंड अभी बज गए हैं 3:15 हो रहे हैं। और सुबह से मैं अभी व्लॉग चालू कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह टाइम ही नहीं मिला। पहले अपना रूम साफ किया, पटाखे रखा और 2-3 काम और थे, वो सब निपटाया। अब अपन निकल रहे हैं शॉपिंग करने, मिठाई वगैरह लेते हैं, और आपको थोड़ी बहुत मार्केट दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली। लेने अभी हम लोग ने मिठाई वगैरह ले ली है, वहाँ ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। खैर, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, अपन तो मास्क पहने हुए हैं, और मार्केट में व्लॉगिंग करना बहुत दिक्कत है, जैसे तो आपको पता ही है। दूध कितने का है? 10 का है क्या? भाई बहुत बिजी लग रहा है। खैर, शॉपिंग वगैरह तो अपनी हो गई है, भीड़ बहुत है देखो यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ मोमोज वगैरह खाने, तो आपको दिखाते हैं आगे। तो यार, अभी हम लोग पापा मम्मी का वेट कर रहे हैं, वो लोग अपना शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ खड़े हैं ना, तो लोग हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग लोगों को देख रहे हैं, मतलब उनको जज कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग वीडियो में कैमरा उठाए ना, देखो एक पीछे बंदा घूर रहा है मेरे को, देख रहे हो ना, पीछे घूरते जा रहे हो, ऐसे ही लोग घूर रहे हैं। तो यार देखो, अभी हम लोग यहाँ पे चौराहे पे खड़े हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब भीड़ है यहाँ पे, सब अपनी खरीदारी कर रहे हैं, हम लोग तो पापा मम्मी का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो शॉपिंग वगैरह तो हो गई है, या आपने कुछ खाने पीने को नहीं मिला, तो अभी हम लोग कहीं और जा रहे हैं, जहाँ पे आप लोग को कम से कम मोमोज और फुल्की मिल जाए। दीदी को फुल्की खाना है, मुझे मोमोज खाने, तो देखते हैं कहाँ मिलता है। तो यार, फाइनली अपन आ गए हैं फुल्की खाने, तो अरे देख लो तो दिखा सबको, सॉरी उसके लिए। तो अपन खाते हैं, फिर निकलते घर, वैसे 5 बज गए। तो यार, हमारा खाना पीना हो गया, मतलब जो फुल्की वगैरह थी। अभी अपन सिविल लाइन में आ गए, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, भी खरीदारी चली रही है, ये रंगोली कुछ आइटम वगैरह है, और यहाँ फूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है। फिर देखो, पहले यहाँ बताऊँ, कुछ साल पहले यहाँ भीड़ ही नहीं होती थी, अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगी है 1-2 साल से। फिर देखो यार, काफ़ी सही है, मतलब पुलिस वगैरह भी, फोर्स वगैरह भी है यहाँ भी, देख लो। अपन तो निकलते हैं घर, यहाँ पे देखो पुलिस आ गई है दुकान के पास। तो यार, अब कुछ बज गए हैं 5:15 हो गए, और अब मैं घर आ गया हूँ, और अभी डायरेक्ट मैं छत पे आ गया, क्योंकि नहीं तो अंधेरा हो जाएगा और ठंड बढ़ जाएगी। और ये देखो, ये सारे मैंने अभी पटाखे अपने रख लिए सुबह से, धूप में से कितने सारे हो गए यार। और अभी सोच रहे हैं कि अपन फोटो भी खिंचवा लेते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स तो दे ही देता हूँ। तो यार, इनको अब जल्दी से मैं पैक करता हूँ, नहीं तो अगर ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो ये ठंड में पड़े रह जाएंगे और रात में जलेंगे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों देखो, सारे पैक हो गए डब्बे, और अभी अंधेरा भी हो ही गया है, और मैं यूट्यूब लाइव कर रहा था, तो देखो ये सारे पटाखे रख लिए मैंने। अब नीचे चलते हैं, और नीचे सबको रखते जाके सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। तो यार देखो, सारे पटाखे यहाँ पे आ गए हैं, और अभी कुछ अराउंड 6 बज गए, और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि यार 7 बजे तक शायद पूजा अपन चालू कर देंगे, और 7:30-8 बजे से अपन शायद पटाखे फोड़ना चालू कर देंगे, ठीक है। और ये तो 2 ही डब्बे हैं, एक ये है और एक और है, 2 डब्बे ऑलरेडी नीचे चले गए हैं, वो दीदी को मैं दे दिया था, क्योंकि उसमें मैक्सिमम उनके पटाखे थे तो नीचे चले गए, बाकी ये का सबसे बड़ा यही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी में पटाखे, तो इसको अपन नीचे लेके जाएंगे। बट उससे पहले मैं तैयार हो जाता हूँ, चेंज वेंज कर लेते, नहा लेते, फिर इसके बाद पूजा वगैरह भी चालू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं हो गया हूँ रेडी, और मैं आपको आउटफिट दिखाता हूँ। तो यार देखो, ये है आज का मेरा आउटफिट, अभी फिलहाल तो मैंने नीचे चप्पल पहनी है, अभी जूते पहन लूँगा, और देखो अब कुछ ऐसा आउटफिट लग रहा है यार। और यार, मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखाता हूँ, मतलब लाइटिंग हम लोगों ने जला दी है, तो भाई ये देखो, ये बाहर का ऐसा व्यू है,
काफी मतलब अच्छा लग रहा है। लाइट यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे व्हाइट लाइट लगाई है। और ये रहा अपना गार्डन एरिया, तो ये देखो ऐसे कुछ लाइटिंग हम लोग ने कर दी है, नीचे भी लगा दी, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ये है ऊपर की लाइटिंग। और है कुछ कुछ जगह तो फायरवर्क्स ऑलरेडी चालू हो गए, बट अभी फिलहाल अपन तो पहले पूजा करेंगे, देन उसके बाद आराम से शायद 7:30-8 बजे तक पटाखे फोड़ना चाहते। तो यार अब मैं आपको डेकोरेशन थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं अपने छोटी दिवाली के ब्लॉग में दिखाई दिया था, तो यार देखो ये कुछ अपनी डेकोरेशन हुई है। और इसका मैंने एक सेपरेट ब्लॉग बनाया था, बट वो अभी तक एडिट नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह से मैं 3-4 ब्लॉग्स एडिट कर रहा था, तो वो वाला एडिट नहीं हो पाया। बट यार ऐसे देख लो कुछ अपनी अभी डेकोरेशन है। एक झालर और बची जो यहाँ पे लगाना बाकी है, वो भी मैं लगा देता हूँ। और दीदी ने रंगोली भी बनाई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार ये देखो ये अपनी छोटी सी रंगोली, और ये देखो ये छोटी सी अपनी रंगोली दीदी ने बनाई है, हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है, दिए वगैरह लग गए। तो यार अभी अराउंड बज गए 7:40 और ये आ गई दीदी भी। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। तो यार अभी हम लोग की पूजा चालू होगी, और अभी मैं अपना कैमरा ही खाली कर रहा था, भर गया था दीदी काफी ज्यादा। अब राउंड अभी खाली कर लिया हूँ, तो आपको काफी इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने को मिलेगा अभी। तो यार ये देखो ये रही मेरी फिशेज, हैप्पी दिवाली फिशेज। तो यहाँ आ जाती है, 4 है, 1, 2, 3 एक और कहीं पे वो रही, 1, 2, 3 ये 4, ठीक है ये 4 फिश है, हैप्पी दिवाली। इनके पास एक दिया रख दिया हम लोग ने, देखो ये पास आ गई। तो यार ये देखो ये सारे मैंने पटाखे अलग कर लिए, ये सारे आज जलाएंगे अपन। और ये भी कुछ स्काई शॉट्स वगैरह पड़े हैं, और ये भी है ये जो हम लोग उड़ाते हैं रात में उड़ा देंगे, ये देखो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यार ये देखो ये है मंदिर हम लोग का, अभी कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे सारी मिठाई है, ये कैंडल जला दी है। तो यार पूजा हो गई है और अपन प्रसाद भी खा लिए हैं। तो देखो ये था अभी मंदिर, और अभी हम लोग चल रहे हैं फायरवर्क्स करने। देखो ये अपन सारे पटाखे उठा के ले आए, अरे वाह। यहाँ रख देते हैं भाई, बहुत भारी है। ओ भाई बहुत ज्यादा भारी था। तो यार देखो ये सारे मैं अपने पटाखे ले आया हूँ, अब पहले इनको मैं अनबॉक्स करके साइड में रख देता हूँ, बाकी इनका तो मैंने सबका बताई थी कौन कौन से पटाखे, स्टैश की वीडियो जाके आप देख लेना। तो इसको पहले मैं ओपन करता हूँ, फिर सबको एक एक करके जलाते हैं। तो यार ये देखो ये अपने सारे पटाखे रख लिए हैं, देखो कितने सारे हो गए, अभी तो कुछ डब्बे में से निकाले ही नहीं मैं। ये सारे आज अपन टेस्ट करने वाले हैं, मतलब जलाने वाले हैं। तो यार सबसे पहले अपन किससे चालू करें, अब समझ में भी नहीं आ रहा, ऊन बम से ही चालू करते हैं। तो यार जैसे मैं आपको बोला स्टार्टिंग अपन ये सूतली बम से करते हैं, देखो काफी बड़ा साइज का VIP है, चलो देखें कैसे चलते हैं। तो यार इसको मैंने यहाँ रख दिया है, फर्स्ट बम ऑफ द डे। काफी तेज था। तो यार ये वाला सूतली बम के पास काफी तेज थी, काफी बढ़िया था। अब अपन ये टेस्ट करते हैं, कुछ अनार जलाते हैं। तो यार ये वाला अनार अपन जलाते हैं, इससे एक पीस है, एक और पीस है, वो पता नहीं कहाँ है, इसको पहले जला के देखते हैं। तो यार इसको मैं जलाता हूँ, वाओ अमेजिंग, काफी बढ़िया था ये। पर अभी अपने ये वाला अनार चला काफी बढ़िया था। तो यार दीदी भी आ गई हैं, दीदी क्या करना है अब, ये वाला अनार, हाँ ये वाला फाउंटेन है, तो इसको जला के देखते हैं। तो यार ये रहा एक्समस ट्री, तीन है, हाँ 3 पीसेस हैं, तो इसको जलाते हैं हंटर से। ये रहा हंटर, पहले अपन काट के रख लिए थे। तो यार ये दीदी जला रही है अनार एक्समस ट्री, दूर रहे मुंह उधर। वाओ वाओ यार काफी अमेजिंग है ये, वाओ यार काफी बढ़िया था यार ये।
तो यार ये अनार काफी बढ़िया था, एक्समस ट्री था। अब अपन को स्काई शॉट ट्राई करते हैं। ये मुंबई इंडियंस का स्काई शॉट, वो आरसीबी का भी, वो भी ट्राई करेंगे, बट पहले अपन मुंबई इंडियंस जाते हैं। दीदी जलाएगी तू? दीदी से जलवाते हैं, चलो देखते हैं कैसा जलता है। तो यार पीछे स्काई शॉट जल रहे हैं, मैंने अपने यहाँ रख दिया, पहले वो जलने देते हैं फिर जलाते हैं। तो अब एंजॉय कर लो देख के यार। नाइस, तो यार चलो इसको भी अब ट्राई करते हैं, मुंबई इंडियंस का स्काई शॉट। ऊपर जाएगा दीदी, रिकॉर्ड कर रही है। चलो आज नेक्स्ट ट्राई करें। तो यार मुंबई स्काई शॉट काफी बड़े थे ना दीदी, बहुत मस्त था। तो यार अब क्या जलाएं, इतने सारे हैं। अब ये डिस्को व्हील वाला चलाते हैं। ओके, ये है यार कुछ यूनिक है, तो इसको पहले अपन अनबॉक्स करते हैं फिर जलाते हैं। अरे दीदी ने इसको अनबॉक्स कर लिया, अनपैक कर लिया है, तो एक जलाते हैं। तो यार दीदी जला रही है पहले हंटर को, देन ये है डिस्को व्हील, इसको जलाते हैं, यही जलाते हैं, उड़ ना जाए बस थोड़ा। हाँ यही जला देते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं लगा, नहीं लगा, अरे नहीं लगा, लग गया, लग गया। ऑल राइट, काफ़ी बढ़िया था यार ये। तो यार ये डिस्को व्हील ठीक ठाक था। अब अपन यार एक स्काई शॉट ट्राई करते हैं, ये 15 शॉट्स, देन उसके बाद जाएंगे लास्ट 25 शॉट्स। तो यार ये देखो, ये कुछ ऐसा है, सन इंडिया का है, सनशाइन सन इंडिया। तो ये 15 शॉट्स है, जला के देखते हैं कैसा फटता है। तो चलो पहले मैं इसको अनबॉक्स तो कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, बाकी इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं डाल दूंगा चैनल पर, आपको एक दो दिन के अंदर मिल जाएगी वो। तो ये देखो इसकी पन्नी उतार दी मैंने, सेलो टेप। ऑलराइट, तो ये हो गया अनबॉक्स। तो यार ये देखो, ये मैं नीचे रख देता हूँ। तो ये है 15 शॉट्स, और ये मैं पेपर भी निकाल देता हूँ। ये देखो 15 इसके अंदर शॉट्स है, तो इसको अब जला के देखते हैं कैसा जलता है। तो यार इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, चलो जलाते हैं और देखते हैं कैसा जलता है ये। वाओ, तो यार काफी बढ़िया सा ये 15 शॉट्स, और इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा, जो आप चैनल पे देख लेना। तो यार 15 शॉट्स जलाया, इसकी आपको मैं वीडियो डाल दूंगा बहुत जल्दी। और ये दीदी मेहताब निकाल रही है, ये देसी मेहताब है। इससे अपन अनार जलाते हैं दीदी, देखते हैं कौन सा मटका अनार जलाते हैं। मटका अनार वो वाला पड़ा हुआ है। तो यार ये देखो, ये रहा मटका अनार। चलो जलाते हैं इसको, देखते हैं कैसा जलता है ये। तो यार दीदी जला रही है मेहताब, और ऑलरेडी काफी बढ़िया यार। थोड़ा पीछे ही जलाने दीदी, नहीं जला। All right. Wow यार ये अमेजिंग था। और ये दीदी अपना फोटो शूट मस्त है ना। ओ ये तेज हो गया, काफी तेज हो गया दीदी, तो मुंह ही नहीं दिख रहा। तो यार ये अनार काफी बढ़िया था। अब अपन यार एक लड़ी ट्राई करते हैं, एक मैंने 100 वाला निकाला था शायद, आई डोंट नो कहाँ है, मैं ढूंढता हूँ, फिर जलाते हैं इसको। तो चलो इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। 25 डीलक्स है, ठीक है, काफ़ी तेज आवाज़ होती है इसकी। तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यार देखो ये रही लड़ी, चलो ट्राई करते हैं इसको। तो यार चलो इसको जलाते हैं अपन। यहाँ के पटा एक, वाह यार काफी बढ़िया था ये। तो यार देखो अभी जो लड़ी जला है ना, तेज से है, पापा का कुर्ता थोड़ा सा फट गया। तो यार अपन दिवाली ब्लॉग को अभी इतना ही रखते हैं, ये था पार्ट वन। तो यार अपन दिवाली ब्लॉग को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, नहीं तो यार वीडियो अराउंड 50 मिनट्स प्लस हो जाएगी। अभी अराउंड मैंने 20-30 मिनट्स का शूट कर लिया है, तो अभी आप इतना देखो, इसके बाद मैं डालूंगा इसको सेकंड पार्ट में। काफी सारे अपन क्रैकर्स अभी टेस्ट करने, देखो सारे क्रैकर्स बाकी है ना दीदी, अभी दिवाली अपनी चालू ही हुई है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, वहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ, और काफी सारी स्टोरीज लगाने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, जो कि अभी तक तो आप देख ही लिए हो, ठीक है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।